Guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. तो guys देखो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है. क्वेश्चन किसका है? थर्मोडायनामिक्स का है. अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, फुली आप मेरे वीडियोस देखे होंगे आन एकेडमी पर या फिर यहाँ पर मतलब YouTube पर. YouTube पर लगभग मेरे 80 वीडियोस हैं. अगर आप थर्मोडायनामिक्स का क्रैश कोर्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में देखो आन एकेडमी का मैं लिंक डाल दूंगा. दो पार्ट में है आई थिंक सो. थर्मोडायनामिक्स पूरा पूरा कंसेप्ट के साथ है, आप उसको देख सकते हो. राइट ओके. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या हम देखते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिस. राइट तो हमारे पास बोल रहा है सी वी और स्पेसिफिक मतलब क्या, मास से डिविजन है. तो सी वी बार कर लेते हैं 2.5 टाइम्स आर है. राइट और हमारे पास नेक्स्ट क्या बोलता है, आर का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 8.314. सारे एसआई में है तो कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय दिस, अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सपोज द टेम्परेचर पहले टी था. राइट अब इंक्रीज हो कितना हो गया, टी प्लस 100 केल्विन में दोनों है. राइट तो डी टी कितना हो जाएगा, 100 केल्विन. समझ गए आप, हमें निकालना क्या है, चेंज इन मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी. मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी कितना होगा हमें निकालना है. यूनिट क्या है, जूल पर मोल. मतलब यूनिट भी हमारा क्या है, एसआई में है. हमें कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने के लिए. राइट तो अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे थोड़ा सा कोर सॉल्यूशन में. अब हमें पता है बेसिकली क्या है, निकालना क्या है, मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी दैट इज डी एच के पावर बार. राइट मतलब पावर मतलब नहीं है, डी एच बार बोलेंगे, पावर तो नहीं है यहाँ पर. राइट तो हमें पता है डी एच इक्वल टू क्या होता है, सी पी डी टी होता है. यहाँ पर बार लगाएंगे बिकॉज स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर. राइट इस और बात कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, एट हीट की बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर. अब हमें पता है मेयर्स इक्वेशन क्या बोलता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर बार लगा दो. अब या इसका मतलब सी पी इज इक्वल टू सी पी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस सी वी बार हो जाएगा. आर कितना है, आर हमारे पास है, सी वी कितना है 2.5 आर है, यानी कि सी पी कितना हो गया 3.5 ऊपर करता हूँ मैं, हाँ 3.5 कितना आ गया, 3.5 आर आ गया. अब पुट करते हैं वैल्यू को, 3.5 आर डी टी, आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 3.5, 8.314, डी टी कितना है 100. अब क्या करना है आपको, आपके पास जो कैलकुलेटर है उसको यूज़ मत करो. क्या यूज़ करोगे फिर, आपके पास जो लैपटॉप है उसको ओपन करो, थोड़ा कष्ट करिए और उसका कैलसी निकालो, उसका सोल्यूशन निकालो. मैं निकाल लिया सोल्यूशन, वर्चुअल कैलसी का आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जूल पर मोल इसका यूनिट आ जाएगा. राइट गाइज, सो गाइज आपके पास आंसर आ चुका है बोलते बोलते. तो मुझे होपफुली लगा कि आप लोगों को समझ में आया. क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं और देखते रहिए. कोई प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी. राइट और आप मुझे फेसबुक में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप प्रिपेयरिंग.